Hello everybody, how are you? Uh, I hope you are doing well. Okay. Uh, today our topic is homologous series. That what is homologous series? Um, I think you have gotten an uh, idea that homo means there are something uh, same or usual thing. Uh, will uh, it will be a series of some said type of same elements something like this? I think you have uh, gotten some type of idea. Okay. Uh, in the previous lecture, we have learned about it what is what are the uses of organic compounds very detailed. Okay. So, uh, next topic was our alkanes and uh, alkyl radicals that I have not talked about it.

तो हम कुछ ऐसे स्ट्रक्चर पढ़ते हुए आ रहे हैं हमारे पास एक सी एच फोर है मीथेन ठीक है ये मीथेन है हमारे पास सी टू एच सिक्स आपने इसका ऐसे स्ट्रक्चर होता है इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है हाइड्रोजन चारों कोनों पर लगा हुआ है मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है ठीक है ये स्ट्रक्चर है हमारे पास ठीक है ठीक है बात समझ आ रही है आप लोगों को ये हमारे पास स्ट्रक्चर है ठीक है तो देखो ये अगर मैं आपको देख रहा हूँ तो हमने इसका नाम रखा है एक देखो अल्केन ठीक है ना ये हमारे पास अल्केन है हमने इनका नाम क्या रखा है इसके पास कितने कार्बन है कार्बन की बेस पर हम जो है ना एक चीज़ ऐड करेंगे इस कार्बन के बेस पर आगे जो है ना प्रीफिक्स यानी हमारे पास कार्बन एटम अगर एक हो तो हम ऐड करेंगे मीथ दो कार्बन एटम हो तो हमारे पास हम ऐड करेंगे ईथ तीन हो तो प्रोप प्रोप चार हो तो बूट ठीक है ठीक है अगर मेरे पास पांच हो तो पांच से हम जो ग्रीक काउंटिंग हुआ करती है शुरू में तो हमारे पास जो है मोनो डाइट्राइ टेट्रा पेंटा तो पाँचवें से हम स्टार्ट करेंगे ग्रीक काउंटेंट पेंटा हेग्जा देन, सो ओन यानी जितनी काउंटिंग है चलती जाएगी हेप्टा ओकटा डेका ठीक है ना ओके तो हम ऐसे इसको चलाते जाएंगे ठीक है चार तक ये अनयूजअल चीज़ है चार तक यानी ये अलग है सिंगल वाले को ईथ को वन कहते हैं ओ सॉरी मीथ को वन कहते हैं ईथ को टू कहते हैं प्रोप को जो है तीन कहते हैं ब्यूट को चार कहते हैं ये आपने चार चीज़ें याद करनी है मतलब कार्बन की बेस पर हमने आखिर की तो प्रीफिक्स ऐड कर दी अब हमारे पास ये अगर स्ट्रक्चर अगर ये अल्केन है अल्केन क्या है तो मतलब ये एक स्ट्रक्चर है तो इसके पास अगर कोई भी एक रेडिकल नहीं है ये खाली बस ये अन है मैं छोड़ो उस चीज़ को मतलब हम जो है फ्री फिक्स तो जो है ऐड करेंगे मीथ यानी जितने कार्बन आइटम्स हैं ठीक है तो आप ये जो है एक है हमारे पास सी एच फोर सी टू एच सिक्स यहाँ पर आपको कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा है कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान हम दो कोई भी कन्जेक्टिव यानी जो है चलते चलते दो भी ब्यूट को पेंटीन को लें तो उनमें एक डिफरेंस कॉमन आपको नज़र आएगा सी एच टू का मतलब हर पॉइंट पर सी एच टू का एडिशन हो रहा है सी एच टू का एडिशन हो रहा है सी एच टू का एडिशन हो रहा है अब दो भी कन्जक्टव मतलब दो लगातार दो लगातार कोई भी ले लें ये कंपाउंड्स ठीक है लेंगे तो आपको इन शाला यही मिलेगा यहाँ पर था सी सिक्स एस ए फोटी अब मैं सी में एक, एक कार सी एच टू एड कर दूँगा इसमें प्लस कर दूंगा तो मेरे पास क्या सी सेवन हो जाएगा एच फोटीन था एच सिक्सटीन हो जाएगा इसमें अगर आप ऐड करेंगे सी एट हो जाएगा एच एटीन हो जाएगा तो मतलब हर जगह पर दो कन्जेक्ट पॉइंट जो है कंपाउंड्स पर आपको एक डिफरेंस कॉमन यानी यानी एक डिफरेंस मिला है डेटे सी एच टू और दूसरी बात ये कार्बन और हाइड्रोजन के रेशियो में आपको कुछ लग रहा है यानी सी एन प्लस का एच टू एन प्लस का टू का जनरल फार्मूला है मतलब इसका जनरल फार्मूला क्या होगा अगर मेरे पास सी एन है कार्बन के आइटम अगर मेरे पास दो हैं दो को छोड़ा मैं चार ले लेता हूँ सी अगर मेरे पास चार है एन की जगह तो मैं क्या करूँगा प्लस का मैं क्या करूँगा एच क्या लूँगा टू मल्टीप्लाई बाय फोर प्लस का टू मतलब मैं सी फोर प्लस का एच टेन मतलब ये फार्मूला होगा देखो क्या सही है मैंने लिखा वाकई ब्यूटेन का ब्यूटेन का यही आया है सी फोर एच टेन तो मतलब ये एक जनरल फार्मूला है इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ यानी सारे एलिमेंट्स जो हैं कुछ ना कुछ, कुछ यहाँ पर सिमिलरिटी आपको नजर आ रही होगी ठीक है तो ऐसी चीज़ को तो हम सीरीज़ कहते हैं होमोलोग सीरीज इसको हम सीरीज़ क्यों कर रहे हैं यहाँ पर कुछ एक सिमिलर टाइप का पैटर्न रिपीट हो रहा है हर जगह पर आप देख रहे हैं सी एच टू का कॉमन डिफरेंस है और दूसरा बात इसका जनरल फार्मूला सेम है तो मतलब यहाँ पर सीरीज़ है ये होमोलोग सेट है आप कह सकते हैं तो ये सीरीज़ हैं हमारे पास तो अगर आप हमारे पास देखेंगे एक और चीज़ अगर आप यहाँ से बढ़ते जाएंगे अगर सी एच फोर का जो है एटोमिक मास हमारे पास क्या है कार्बन का अगर मेरे पास होता है बारह बारह सोलह तो यहाँ पर सोलह है तो हर पॉइंट पर आपको फोर्टीन का एडिशन मिलेगा फोरटीन एम यू बड़े का सोलह एम यू है ना सी एच फोर ठीक है ना बारह और चार तो अगर आपको हर पॉइंट पर ये दो यहाँ पर आपको तीस मिलेगा एम यू यहाँ पर चवालीस मिलेगा यहाँ पे फिफ्टी एट मिलेगा यहाँ पे हमारे पास सेवेंटी टू मिलेगा यहाँ पे आपको एट्टी जो मिलेगा एट्टी सिक्स तो हर पॉइंट पर एक कॉमन फोर्टीन एम यू के मास में आपको कॉमन एडिशन मिल रहा है तो मतलब ये कोई ना कोई यार यहाँ पर चक्कर है सीरीज़ है यहाँ पर कोई ग्रुप है यानी कोई सिमिलरिटी आपको नहीं सोडेड एटेस्ट कार्ड होमोलोगा सीरीज तो ये अल्के्के्के्के्केन की होमोलोगा सीरीज़ है तो मतलब हम इसको जितने कार्बन एटम होंगे उसके आगे नाम लगा दिया एक ये तो मीत और आखिर में ये है अल्केन मतलब अल्केन क्या मतलब यहाँ पर सिंगल बोंड होता है यहाँ पर कोई भी डबल बोंड नहीं होता ठीक है तो एन लगा दिया हमने हर जगह पर आपको हर जगह पर एन मिलेगा और जितने वो होंगे ठीक है तो बुक भी हमको कहते हैं अ जनरल फार्मूला कैन बी यूज टू डिस्क्राइब ऑल मेंबर्स ऑफ सीरीज ठीक है जैसे हमारा जो फार्मूला था सी एन एस टू प्लस का एन ठीक है ये हमारे पास ये था ठीक है द रिलेटिव मोलीकुलर मास यानी हर कोई मोलिकुलर मास का जो है ना एक सक्सेस यानी एक सी एस टू का डिफरेंस आता है फोटीन का इजाफा होता है ठीक है तो यहाँ पर एक कॉमन आपको सिमिलरिटी मिलती है जो कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती है क्योंकि फंक्शनल ग्रुप आगे हम पढ़ेंगे वो सेम होता है तो भाई इनका जो है बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट में चेंज डिफरेंस होता है समझ लो आप ये आइटम ले रहे हैं ये ले रहे हैं या ये ले रहे हैं इसमें डिफरेंस मिलेगा क्यों यार इनका जो है मोलिकुलर मासेज में डिफरेंस है इसका अगर मेरे पास सोलह हो रहा है तो इसका मेरे पास फिफ्टी एट हो जाएगा मुझे पक्का नहीं फिफ्टी एट हो जाएगा ठीक तो है तो मोलिकुलर मासेज में डिफरेंस है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में भी डिफरेंस आएगा ये आपको डिफरेंस मिलेगा तो इनको जो है प्रिपेयर करने का सेम ही मैनर होता है क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पर एक सीरीज़ है सीरीज़ मैंने आपको बताया क्यों कहते हैं यहाँ पर कोई यानी आइडेंटिकल यानी एक कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर आपको चीज़ शो हो रही है ठीक है ये आपको यहाँ पर एक आइडेंटिकल चीज़ शो हो रही है